बेस्ट आइटम है, मस्ट ट्राई मस्ट ट्राई। अभी मैं ना आपको पीछे की इस गली में लेके जाऊंगा जहाँ पे पूरी गली चौक हो रखी है जस्ट बिकॉज ऑफ वन शॉप विच इज रियली द मोस्ट पॉपुलर लवली लवली पूड़ी वाले। चलो ये मैं पूरा मार्केट दिखा देता हूँ आपको, हनुमान संतोषी माता मंदिर, और यहाँ पे आपको जाना है, ये देखिए। ओ भाई साहब क्या मस्त भीड़ है यार, ये है लवली भाई, वो बुरे भाई है हमारे, रेड शर्ट में आप देखेंगे लवली भाई, पीछे हैं भूरे भाई। ला भैया थोड़ी चौड़ी ला, पीस के हो जाए तो भैया लवली पुटी दूर खींचो, कोई खींचो जाए ना खींचो, छोटा कैसे हो जब बड़ा हुआ नहीं भैया, भोरे दो पूड़ी दे दिए, चार पूड़ी पकड़ ली पूड़ी यार भाई हमको लाओ, दो पूड़ी हमको लाओ, दो जगह दो दो पूड़ी ये है पूड़ी आलू, और ये है खस्ता आलू बना के इन्होंने दिया हुआ है, कचौड़ी खस्ता कचौड़ी बेहतरीन तरीके से बना के दे दिया गया है। हाँ जी साहब, ऊपर चटनी डाली भाई तब वाली, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो धूप में चमकते हुए देख रहे होंगे, पहले मेरे हाथ में ये देख लीजिए, आपने वड़ा बहुत तरीके से खाया होगा, साउथ इंडियन सांभर के साथ और वैसे टिपिकली दही के साथ, आलू की सब्जी के साथ, अगर आपने वड़ा खाना है तो आपको आना पड़ेगा यार यहाँ पे, ये शॉप है, बहुत काफी टाइम हो गया, काफी भीड़ है यार, भीड़ ने तो बिल्कुल सरप्राइज किया हुआ है। अभी हमने जो फुल एंजॉय किया उसमें खस्ता भी था, पूड़ी भी थी, और बिल्कुल घर जैसा स्वाद है, उसमें हरी चटनी का जो डाल के जो फ्लेवर दिया वो बहुत ही अच्छा था। पीछे आप देख रहे हैं फ्रेश फ्रेश बन रही है पूड़ी कचौड़ी, है पूरा दिन इसी तरीके से यहाँ पे जमावड़ा लोगों का लगा रहता है, पीछे आप देखो घुमा के दिखा दो लोगों को किस कदर भीड़ है, हर तरह का बिल्कुल, आपको यहाँ पे नॉर्मल पैदल चलने वाला भी R15 से बंदा आ रहा है, हर तरीके से लोग आते हैं। भैया लोग यहाँ पे खड़े आप लोग यहीं से ना, लखीमपुर से, तो मतलब ये आप लोग यहाँ आते रहते हो, जिस लेवल की अभी भीड़ है, अभी हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो यहाँ रेगुलर ऐसे ही रहते हैं, तो लगभग कितने टाइम से आप यहाँ खा रहे हैं? एक डेढ़ साल। और इनको यहाँ पे आए हो कितना टाइम हो गया? बहुत पुराने हैं, तो मतलब यहाँ पे है इस तरह का, मतलब वड़ा हमने भी नहीं खाया कि आलू की सब्जी के साथ इस तरह, बहुत बढ़िया। या सुबह सुबह यहाँ मुझे मतलब 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे इतनी भीड़ होना, तो 12 बजे लास्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भैया आप लोग कितने टाइम से आ रहे हैं लगभग यहाँ पे? हमें हो गए 1-2 साल। 1-2 साल आपको भी हो गए, तो इसी तरह की भीड़ आपको रेगुलर दिखती है? परमानेंट आपको लाइन लगानी ही पड़ती है, लाइन लग के ही मिलता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको सबसे बढ़िया क्या लगता है यहाँ पे रेगुलर आते हैं? यहाँ कचौड़ी सबसे ज्यादा, कचौड़ी खस्ता कचौड़ी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हमारे जो दोस्त हैं वो लेके गए पूड़ी और वेट नहीं हो पाया सब, और उनसे वो खा रहे हैं। ये क्या है? कचौड़ियाँ। ये लो भाई, आपने मिस किया है, हमने जो कचौड़ी खाई वो खस्ता थी, ये कचौड़ी अलग है टिपिकल, ये देखो क्या बात है, बिल्कुल ये देख रहे हैं आप कचौड़ी इस टाइप, बिल्कुल
दाना दाना बिखर रहा है। ये कौन सा एरिया पड़ता है? ये संता देवी मंदिर। अच्छा, मेन मंदिर। ये पीछे जस्ट मेन मंदिर है। तो एरिया है संता देवी मंदिर, जो बहुत ही प्रख्यात मंदिर है, यहाँ का पॉपुलर मंदिर है। जो आप आना मतलब दर्शन करना, और उसके बाद प्रसाद में यहाँ पे आपको सुबह मॉर्निंग 6-7 बजे से शुरू हो जाएगा और 11-12 बजे लास्ट कर देते हैं। और मज़ा आया सच में, बेहतरीन जगह, मज़ा बहुत। आई डोंट नो माता का बात प्रॉपर आएगी नहीं आएगी, लास्ट में ट्राई किया है। ये शोरगुल के बाद भी आपको बताऊंगा, क्योंकि रिव्यू देना बहुत ज़रूरी था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मूंग दाल का वड़ा आलू की सब्जी के साथ मुझे अच्छा लगेगा, एंड दिस इज डिलीशियस, बेस्ट आइटम, मस्ट ट्राई।